हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ हैशटैग कैसे लगाया जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो मेरे वीडियोज के नीचे जो हैशटैग लगा करके कुछ जो है नीला टाइप में आ जाता है लिखा हुआ। तो दोस्तों, आप वो कैसे लगा सकते हैं और आप उसको कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके से वो काम करता है दोस्तों, तो आज की वीडियो में वही आप जानने वाले हैं जो हैशटैग का कैसे उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल एवं इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना। और आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और हाँ दोस्तों, ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों, वीडियो को जो है पूरा एंड तक जरूर देखना, तभी आप इसमें सीख सकते हो। तो दोस्तों, हैशटैग कैसे लगाया जाता है मैं आप लोग को बता दूं। दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, आपका एक यूट्यूब चैनल है, तो हैशटैग लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं किया है तब भी, और आपका चैनल ग्रो किया है तब भी, तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ। जैसा कि आप देखते होंगे मेरे वीडियोज में जो हैशटैग पंकज टेक हर एक वीडियोज में लिखा हुआ आता है, तो दोस्तों वो मैं कैसे लगाता हूँ, किस तरीके से वो काम करता है मैं आपको बता दूँ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे हैशटैग पंकज टेक, तो यहाँ पे आपको जो है, चलिए मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हैशटैग पंकज टेक इस तरीके से, जैसे ही आप हैशटैग पंकज टेक करके इसको सर्च करेंगे यहाँ से, तो जो है मेरा वीडियो जितना भी है आपको यहाँ से शो हो जाएगा। और जैसे, और मैं आप लोग को बता दूँ ये कैसा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वीडियोज़ के नीचे हैशटैग पंकज टेक लिखा हुआ मेरा आता है, तो आपको किस तरीके से लगाना है तो मैं आप लोग को बता दूँ। सबसे पहले आपको वीडियो अपलोड कर लेनी है, फिर आपको YT स्टूडियो होता है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं सबसे पहले YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपल से ये रहा मेरा YT स्टूडियो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये मेरा YT स्टूडियो ओपन हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ किस तरीके से आप लोगों को लगाना है हैशटैग। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, चलिए मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूँ जिसमें लगाता हूँ मैं हैशटैग लगाया हूँ। तो यहाँ पे आपको पेंसिल की आइकन जो है इस पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे पेंसिल का आइकन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप पेंसिल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर नीचे आपको टैग मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, प्रेप्सी जो है कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपको काम करता है और कैसे आपको लगाना है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो है यहाँ पे यूज किया हाउ टू अपलोड फुल फोटो ऑन YouTube पे फुल फोटो कैसे लगाए। तो आपको हैशटैग भी वैसा ही यूज़ करना है जैसा आपने टाइटल में डाल रखा है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हूँ YouTube पर फुल फोटो कैसे डाले, तो एक हैशटैग मेरा बन गया और मेरा टाइटल से जो है मिलता जुलता है। और जैसे ही आप लिखेंगे YouTube पे फ़ोटो कैसे डाले, तो मेरा वीडियो आपके जो है सामने आएगा और जो है सर्च लिस्ट में मेरा वीडियो आता है, और आप सर्च करके भी देख सकते हैं हाउ टू अपलोड फ़ोटो ऑन YouTube, या आप सर्च कर सकते हैं फ़ोटो को YouTube पे कैसे डालें, नेट पे कैसे डालें, तो मेरा वीडियो आपको 3 से 4 नंबर पे मिल जाएंगे ऑलरेडी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको कम से कम 2 हैशटैग जो है अपने जो है वीडियोज़ में जो है यूज करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, एक हैशटैग जो है अपने वीडियोज से रिलेटेड आपको डालना है, और जो है और दूसरा हैशटैग जो है अपने चैनल का जो है हैशटैग आपको स्वयं बनाना होगा, जो खुद से आपको बनानी होगी और वो कैसे काम करता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा जो YouTube पे जैसे ही मैंने सर्च किया हैशटैग पंकज टेक, तो मेरा सारा वीडियो वहाँ पे शो हो गया। तो कुछ इसी तरीके से जैसा मेरा चैनल का नाम है पंकज टेक, तो मैं वैसा ही एक लगाता हूँ हैज पंकज टेक, तो इसीलिए मेरा जो है सबसे पहले वीडियो वहाँ पे पंकज टेक जैसे सर्च करते हैं तो मेरा वीडियो जो है वहाँ पे आता है, और मैं हर एक वीडियोज में लगाता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप अपने चैनल का नाम कुछ भी रखे हुए हैं, जैसे मेरा चैनल का नाम है पंकज टेक, तो मैं हर एक वीडियोज में जो है हैज पंकज टेक यूज करता हूँ हैशटैग में, इसलिए मेरा वीडियोज वहाँ पे शो हो रहा है, वरना मेरा हर एक वीडियो शो नहीं होगा। यदि जो है मैं फुल कोई सा भी वीडियो में मैं छोड़ दूँ तो मेरा वो वीडियो शो नहीं होगा, क्योंकि उसमें हैशटैग पंकज टेक नहीं लगा हुआ है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ, सब में जो है आपको हैशटैग पंकज टेक लगाना है किस तरीके से, तो आपको एडिट में आना है और यहाँ से आपको ऐसे, जैसे मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ से हैज लिख देना है, और जैसे आपका चैनल का जो भी नाम है आप लिख सकते हैं। चलिए मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ फिर से, तो कुछ इस तरीके से आपको लिख लेना है और यहाँ से आपको सेव कर देना है। जैसे